क्या आप ये जानते हो ब्लूटूथ का जो ये सिंबल होता है, ये सिंबल आखिर कैसे बना? मतलब ब्लूटूथ का ऐसा ही सिंबल क्यों होता है, कोई और सिंबल क्यों नहीं होता है? तो क्या है इसके पीछे का राज, जानेंगे वीडियो में आगे। और क्या आप ये जानते हो इंडिया का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसका जो आधा पार्ट है ना वो किसी और स्टेट में है और उसकी जो आधा पार्ट है वो किसी दूसरे स्टेट में। तो ऐसे ही होश उड़ा देने वाला फैक्ट जानने वाले हो आज के इस वीडियो पे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट फैक्ट खोजी, एंड आप देख रहे हो फैक्ट खोजी हिंदी। चलिए कुछ नया सीखते हैं। नंबर 10, हम सभी को पता है सांप जो है वो अंडे देती है, राइट? बट क्या आपको पता है, आप जो अपने स्क्रीन में इस सांप को देख रहे हो ना, ये सांप की एक ऐसी प्रजाति है जो अंडों के बजाय बच्चे को जन्म देती है, और इस सांप का नाम है रसेल वाइपर, जिसे आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो। नंबर 9, क्या आपको पता है जापान में एक ऐसा रिसोर्ट है जिसका नाम है जूनेसन स्पा रिसोर्ट, और आपको पता है इस रिसोर्ट की खास बात यह है कि आप जो है ना इस रिसोर्ट में वाइन के अलावा कॉफी, टी एंड ग्रीन टी में भी नहा सकते हो। इसमें जो है एक पर्सन का जो टिकट का कॉस्ट होता है ना, वो अगर इंडियन रुपीज में देखा जाए तो वो 1600 रुपया पर पर्सन होता है। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे इस टाइप से बनाया गया है कि उसमें आप कॉफी में भी नहा सकते हो, वाइन में भी नहा सकते हो, चाय ग्रीन टी में भी नहा सकते हो, मतलब गजब। नंबर 8, मोनालिसा की जो पेंटिंग है ना, उसके बारे में कहा जाता है कि अगर आपका मन खुश है ना, अगर आप हैप्पी हो, तो ये जो पेंटिंग है ना वो आपको मुस्कुराती हुई नजर आएगी, और अगर आप दुखी हो, अगर आप सैड हो, तो इसकी जो पेंटिंग है ना वो आपको उदास दिखेंगी। नंबर 7, दुनिया का जो सबसे बड़ा पक्षी है वो ऑस्ट्रिच होता है, राइट? शुतुरमुर्ग। और ये भी सबको पता है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा अंडा होता है ना, वो भी शुतुरमुर्ग का ही होता है, जिसके अंडे की लंबाई लगभग 18 सेंटीमीटर होती है। बस इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शुतुरमुर्ग धरती पर अकेला ऐसा जानवर है जिसकी जो आंखें है ना, उसकी आईज, उसके जो दिमाग है उससे भी बड़ी होती है। मतलब आप कह सकते हो शुतुरमुर्ग का दिमाग उसके आंख से छोटा होता है। शुतुरमुर्ग की जो आंखें है वो 2 इंच लंबी और बड़ी होती है, और यही बात शुतुरमुर्ग को बाकी पक्षियों से अलग करती है। नंबर 6, आपको ये जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि दुनिया का जो सबसे पहला हवाई जहाज है ना, वो राइट ब्रदर्स ने नहीं बल्कि शिवकर बापूजी तलपड़े ने बनाया था। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने हवाई जहाज को राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले सन 1895 में बना दिया था। उस वक्त देश में ब्रिटिश शासन की वजह से उनके नाम को इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली थी। नंबर 5, क्या आपको पता है हवाई जहाज में जो इमरजेंसी के लिए जो ऑक्सीजन मास्क आपको दिए जाते हैं ना, उनके सहारे आप ना सिर्फ 15 मिनट तक ही जिंदा रह सकते हो। नंबर 4, क्या आपको पता है महाराष्ट्र सरकार ने 16 जनवरी 2023 तक जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, उन सभी के अधिकारियों और कर्मचारियों को कॉल आने पर अनिवार्य रूप से हेलो के बजाय वंदे मातरम कहने का आदेश दिया है, मतलब ऑसम। नंबर 3, एटलस एक ऐसा कीट है जो अपने शिकारियों को डराने के लिए पता है अपने पंखों को कोबरा सांप के सिर जैसा दिखाने का छल करता है, जिसे आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो। आप देखकर खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि इसके जो पंख है ना, वो पूरा पंख खोलने के बाद इसका जो आकार है वो कोबरा सांप के जैसा हो जाता है। मतलब हमारा नेचर भी कितना ज्यादा ऑसम है। नंबर 2, आपको पता है इंडिया में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसका आधा पार्ट किसी दूसरे स्टेट में है और उसकी जो आधा पार्ट है ना वो किसी और स्टेट में। तो जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र का नवापुर रेलवे स्टेशन इंडिया का एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसका जो आधा पार्ट है ना वो गुजरात में है और उसकी जो आधा पार्ट है वो महाराष्ट्र में है। नंबर 1, ब्लूटूथ तो हम सभी यूज करते हैं, बट क्या आपने कभी सोचा है ब्लूटूथ का जो ऐसा सिंबल है वो सिंबल आखिर ऐसा ही क्यों बनाया गया, कोई और सिंबल, कोई और डिजाइन क्यों नहीं बनाया गया? तो इसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि ब्लूटूथ का जो नाम है ना वो 10वीं शताब्दी में नॉर्वे का राजा हेराल्ड ब्लेटन के नाम पर पड़ा था। ब्लूटूथ की तकनीक और राजा का एक ही उद्देश्य था, विभिन्न समूहों के बीच एकता और संचार करना। उनके नाम का एच और बी, जब आप नॉर्डिक लिपि में जाओगे तो नॉर्डिक लिपि का जो एच होता है ना वो कुछ ऐसा होता है, और नॉर्डिक लिपि का जो बी होता है वो कुछ ऐसा होता है, जिसे रूनी लिपि कहा जाता है। और जब आप इस दोनों को मर्ज करोगे तो वो कुछ ऐसा सिंबल बन जाता है। तो इसी से ब्लूटूथ का जो सिंबल है उसका इन्वेंट किया गया। तो दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताओ आपको आज का फैक्ट कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर ऑन कर लेना, ताकि मैं जब भी नए वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड